गाय की पूर्णता क्या है? बछड़ा जब दूध पिएगा। चिरैया नहीं, दाना चुगती हुई चिरैया। किसान नहीं, हल कंधे पे। और बहुओं, तुम लोग ये कोहबर को लिखो। कोहबर का ज्ञान देते हुए ये पूर्णता की आकांक्षा। मुझे इस पे एक देवी गीत याद आ रहा है जो मैं आपको बताना चाहूंगी। ये मरियम, आपने देखा है कि सबसे पहले मालन का जिक्र आता है। जब भी फूल का, पुष्प का जिक्र आते ही ये आभास हो जाता है कि मांगलिक अवसर है, क्योंकि सबसे पहले फूल ही आवश्यकता पड़ती है। तो हमारे यहाँ पुराना देवी का गीत है कि फूल लोढ़ चली है भवानी मैया, फूल लोढ़न चली है भवानी मैया। फूल लोढ़े, लोढ़े यानी चुनने। हाँ, फूल चुनने के लिए कौन निकली है? भवानी निकली है, देवी निकली है, खुद ही देवी निकल आई है फूल चुनने के लिए। आगे क्या होता है? फूल लोढ़े गए फूलवरिया, मलिया की बगिया। मैं चुनने के लिए गई कहा? माली की बगिया पे। और वहां पर भाई पूछता है अपनी बहन से, पहली सगरी चुनरिया तोर लाली, कहे आंचल भयो मटमैला। भाई कहता है कि बहन एकदम लाल लाल, देखिए ध्यान से सुनिएगा, देवी है, भवानी निकली है स्वयं फूल चुनने। और भाई रस्ते में देख के कहता है कि लाल एकदम चुनरी, आंचल में कैसे फूल दूसरे कैसे लग रहा है। और भवानी कहती है, भैया फूलन के लोभल भवरवा हो, भैया फूलवा के लोभल भवरवा हो, अचरवा हमारे अरबेल से हो। मैं जब फूल चुनने गई तो वहां पे एक लोभी भवरा मिल गया और उसने मेरा यचना मैला कर दिया। आगे भवानी ही अपने भाई से कहती है, बिन धिया होमिया न हुई है, दूध ही बिन जवार रे, भैया बिनु धना धर्म न हुई है, और पूत ही बिन सोहर हो। भवानी यानी कि देवी अपने भाई से कहती हैं कि मेरा आंचल मैला हो गया, यानी कि आप इससे समझ सकते हैं, बिंबात्मक वर्णन है कि जब वे बगिया में गई तो माली मिला और वहां पर उस सौंदर्य के अनुराग से संयोग हुआ और संयोग से पुत्र की प्राप्ति हुई। और ये निश्चलता देखें कि भाई से कहती है कि भैया धिया होमिया घी, बिना घिया होमिया न होइए, बिना घी के यज्ञ नहीं होता, बिना दूध के न खीर बनेगी न भोजन बनेगा, भैया बिनु धना धर्म न होइए, बिना स्त्री के धर्म असंभव है, बिना स्त्री के धर्म अपूर्ण है, अब पूत ही बिन सोहर, संतान ही नहीं होगी तो सोहर कैसे जाता है। यानी कि धर्म अर्थ काम मोक्ष चारों की अनिवार्यता। और गीत तो कौन गा रहा? हमारे आपके जैसे साधारण स्त्री नहीं, भवानी गा रही है। इस गीत के बहाने पुरखों का कितना सुंदर संकेत है, यदि आप ध्यान दें। भवानी किसे कहते हैं? भुवन स्वामी को, सृष्टि की स्वामिनी, यानी कि देवी। जिस प्रकार से वह पूरे पूरे संसार की स्वामिनी, वैसे गृह की भी जो स्वामिनी, उसके भी बिना न तो हवन हो सकता है और जन्म की सार्थकता नहीं, उसके संतान न हो। और दूध और घी का जो यहां पर जिक्र है, उसका मतलब कि गृहस्थी की चिंताएं, वो भी पूर्णता की आकांक्षा के द्योतक। लेकिन गीत में देवी गा रही है और गा रही है अपने भाई से। जो समाज इतना निर्मल रहा है, जहां पे भाई और बहन के बीच इस प्रकार का संवाद हो सकता है, जहां पर इतना सुंदर रेखांकित किया गया हो कि देवी के बिंब के माध्यम से स्त्री जन्म की पूर्णता और उस पूर्णता की गरिमा और सौंदर्य, ये हमारे पुरखिनों को मालूम था और इसी तरह से खाती हुई आगे बढ़ती हुई चलती जाती। इसके अलावा सबसे बड़ी बात है सबकी साझेदारी। बिना सबकी साझेदारी के लोग अपूर्ण है। मुझे लग रहा है क्योंकि सुबह आज उद्घाटन हुआ है तो लोग पर बहुत चर्चा हुई, लोग फोक नहीं है, लोग से अभिप्राय है
जहां तक दिखे जो कुछ दृष्टि गोचर है सब कुछ लोक है, उसमें तीनों लोक भी शामिल है। और इस लोक में जब ब्याह भी होता है तो हम पुरखों को अपने न्योतते हैं, तो हम क्या गाते हैं, पांच पान नौ नारियल स्वर गे जबाजे आजा पर पाजा रे, आजा पर पाजा सात पीढ़ियां स्मरण कराई जाती है। यदि आपने माटी वहां दूर रखा भी होता होगा पितरों को जब न्योतते हैं, बाबा तुम रो न्योतारी तुम रो न्योतारे भूया भवानी बिंध्या चल महारानी घर की साया भवानी। भूदेवी ध्रुव की देवी कुल देवी सभी देवियों के संग संग सांप गोजर बिच्छू किच्छू तुम रो न्योता हो आधी पानी लड़ाई झगड़ा रे तुम रो न्योता रे। विवाह है, कलह को भी निमंत्रित कर लिया, लड़ाई झगड़ा ओठ बिच दौनी अरे भौ हसी गोरी न्योता हो। आओ सभी का स्वागत, आधी पानी तुम भी आओ और जो होंठ बिछका रहे हैं यही पे आपको बहुत चर्चा सुनत रहे ऐसा तो नहीं दमा टोली देखे में कैसा लग रहा कर दिया करिया, तो जो होंठ बिछकाने वाली और जो हर चीज में भौ भौ से कोरने वाली है उनको भी न्योता है। बहुत बड़ा समावेशी मन और बहुत उदार मन चाहिए कि आप विवाह में सात पीढ़ी पितरों को भूमि को कुल देवी को और प्रकृति को जब आप न्योत रहे हैं तो आप आधी पानी को भी न्योत रहे हैं कि आप आकर के आपको आमंत्रित कर रहे, यानी कि एक समय मत चले आना, अभी आ जाओ, आएंगे तो आशीर्वाद बंद करके रहेंगे और यदि निमंत्रित नहीं किया तभी आजकल देख रहे ना फरवरी मार्च में पानी बरस रहा है, ये सब नहीं पुरखे न्योतते ठीक से। हाँ हाँ ये मानने वाली बात है, सूखा काल का है पड़ रहा कजरी कौन कर रहा है। ये सब चीजें यदि मंत्र में शक्ति है कि एक देवालय आप जाते हो और आपको लगता है कि सदियों से यहाँ घंटियां बजी हैं श्लोकों का यहाँ पर गुंजायमान है तो यहाँ ऊर्जा अलग है, ये तो ऊर्जा प्रकृति की ऊर्जा भी तो हम और आप ही बनाएंगे ना। और शुष्क पड़ा रहता है रोपनी के गाने नहीं होते तो ये भी तो ऊर्जा है, प्रकृति वर्षे चौमासा गाए हम प्रकृति को जगाए बसंत के गीत गाए फागुन गाए गुलारा गाए तब प्रकृति भी प्रसन्न होती है। ये मनाने की चीज है, जनजाति विश्वास है, इस सारे सार्थक विश्वास है। कोरोना ने तो सारे विश्वास सही निकला, जो जितना डरा कि कोरोना ना हो जाए ना हो जाए आपने देखा सबसे पहले उसी को हुआ दिया नहीं था। हमारे पड़ोसी थे उन्होंने अपने सारे सहायकों में छुट्टी कर दी, दुल्हन से भी थोड़ा दो फीट दूर रहते थे क्योंकि उन्हें ऑफिस जाना पड़ता था और रोज दुल्हन उनसे आज हमसे रोज कहे कि भाई इन्हों तो ये हमको लग रहा मेंटल हो गया और हमारे यहाँ पे हमारे पति भी क्योंकि कुलिक थे तो भी ये बात हास्य का मतलब विषय थी प्रयास का कि कोई उनके आए तो भी वो पर्चा देने के लिए दूर खड़ा रहेगा और वो उत्तर प्रदेश सरकार बहुत वरिष्ठ पद पे है तो उनसे ऐसा नहीं था कि घर बैठ जाए छुट्टी लेने तो लोगों को काम दिन भर। और आपने देखा उत्तर प्रदेश में कोविड के टाइम पे बड़ी सारी चुनौतियां आई, एक साथ प्रवासी भाई आए उनका मैनेजमेंट को ऐसी जगह पे थे कि भाई मिलना था भैया इतना करते करते उन्हें हो गया और ऐसा हुआ कि जब वो एडमिट हुए तो उनके बाप जाने वाले घर चले आए उनके तीन तीन बार टेस्ट पॉजिटिव आए। तो मुझे लगता है जैसी ऊर्जाओं को आकर्षित करते हैं वैसी ऊर्जाएं आकर्षित होती है। तो गीत लोक संगीत लोक संस्कृति लोक कथाएं इन सब का नाता रिश्ता है, इसलिए जो ये कहते हैं लोग ये सब छोड़ दो जाने दो। अब आजकल हम देखते हैं ब्याह होता है मंडप गाड़ा जाता है, अब ठीक है भाई जहां घर में जगह नहीं है वहां की बात नहीं कर रहे, फ्लैट्स में रह रहे बेचारे कैसे करेंगे ठीक। उसके बाद फिर टीना में रख के पीपा में अब ब्याह हो रहा है होटल में चले जा रहे हैं बेचारे जो मड़ई है वो बेचारे वो भी गाड़ी में इनोवा में चले जा रहे हैं पुरखे भी संग संग चले जा रहे हैं। अरे आप सोचिए
वहां चले गए और फिर वहां पे स्थापित कर दिया, कहो कोई देख मेरा होटल में की भीड़ में किसने वहां पैर मारा, किसने हिलाया, जबकि अंत में आप जानते हैं कि जब समापन हो जाता है तब हिला करके हम प्रणाम करके पुरखों को विदा करते हैं कि अब मंगल कार्य संपन्न है। ये चीजें मानो तो सब कुछ है, नहीं तो कुछ नहीं, लेकिन गीतों के जरिए ये जो एक समावेशी सबको समाहित करने की और आगे बढ़ने की जो परंपरा थी, मुझे लगता है कि ये नई पीढ़ी को बताते हुए चलना ये इतना जरूरी है। चौथी सबसे बड़ी बात प्रकृति की उपासना। कौन सा लोकगीत ऐसा है, कौन सा लोकाचार ऐसा है जिसमें कि प्रकृति की उपासना नहीं, जो प्रकृति के बिना। अब विदेशी संस्कृति एक दिन का एनवायरमेंटल डे मनाती, 5 जुलाई लाइफ और 5 जून। अब भारत के हिसाब से आप बताइए एनवायरमेंट डे 5 जून है, जब जेठ का मैं एकदम चढ़ती लू चलती है, हमारे यहाँ तो आषाढ़ की पहली बूंद गिरी समझिए प्रकृति का उत्सव शुरू। लेकिन अब चूंकि वहां मनाया जा रहा है तो हम लोग भी वहां पर सरकारी इतने पौधे रोपे चले जाते हैं और पौधे रोप रहे हैं, आधे से अधिक पौधे गायब नहीं मरे भाई। हमारे यहाँ पर चूंकि प्रकृति सहायक नहीं होती ना, जेठ के महीने में जेठ की दोपहरी सबसे क्रूर कही गई और उसी में पौधे लगाए रहते हैं क्योंकि वर्ल्ड एनवायरमेंट डे। लेकिन हमारे यहाँ प्रकृति के बिना क्या है, नियम की उपासना। शीतला मैया के जितने गीत है, निमिया के डार मैया डारेरी डलवर मैया झूली झूली ना कि मैया गावेनी, गीतिया की झूली झूली ना कि मैया बोली गावेनी, गीतिया की झूली झूली ना। शीतला माई के बहाने नीम की आराधना, तुलसी, जितनों ने दादी को गोसाई के कहा तुम पिला देती हो, मुंह बना बना के मातारी को कहा कि क्या हल्दी दूध ले आए, वो मांग मांग करके पीते पाए जाए घरों में की बात, काढ़ा दे दो हमको, ये दे दो वो दे दो, क्योंकि समझ में आ गया कि जो ज्ञान परंपरा पुरखों की थी भैया ऐसा है 10,000 वर्षों से भी ऊपर हमारी भारतीय संस्कृति है। जीते जी लिखित इतिहास में पहली बार इस प्रकार की हम लोगों ने घटना देखी है जहां पे ये बायो अटैक था, जो भी था एक हमारी आई। क्या आपको नहीं ऐसा लगता कि हमारे पूर्वज सदियों से ये आक्रमण झेलते आए हो, टिके हुए इसीलिए क्योंकि वो ज्ञान परंपरा से वो अपना बचाव आविष्कृत कर लिया था और आज भी हम वही भोजन खा रहे हैं। हल्दी का आप बता दीजिए मुझे, अलग से हल्दी का क्या स्वाद है कोई बता दे तो मैं नाम कर, अलग से हल्दी का कोई स्वाद है? और आप उत्तर से नीचे तक बता दीजिए कोई व्यंजन जो बिना हल्दी के बनता हो, भारतीय व्यंजन शाकाहारी चाहे नहीं। किसने कहा था, क्यों कहा था? अभी तो गर्म पानी में लोग हल्दी पीते पीते पाएगा पूरे को। हल्दी की औषधीय गुण, आप पंजाब से इनका छोला भटूरा चाहे सांभर देख लो, जब दक्षिण कोई भी चीज बिना हल्दी के नहीं। तो हमारे यहां पर ये जो ज्ञान परंपरा थी, तुलसी का दल प्रसाद में मिलाकर दे दिया, जिस जल में तुलसी का दल डाल दिया कहा प्रसाद जल, और आप उसको ग्रहण करते हैं प्रसाद मानकर, दरअसल आप औषधि ले रहे होते हैं। पोषण अभियान इसमें बन रहा है मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड का, और उसमें उधर से हमारे तो ऐसे नहीं सुना जाता ना, ऐसे सुना जाता है इधर से, तो वहां से उधर से आया कि भाई गुड़ इज द बेस्ट सोर्स ऑफ आयरन। हमारे यहां पर कोई भी घर की पुरखिनों की कथाएं होती थी तो प्रसाद क्या देते थे, गुड़ और चना। एनीमिया महिलाओं के भीतर है इसे वो भी जानते थे, और गुड़ चना जाड़ा हुआ कि नहीं, सारा पूरा 12 महीने का भोजन देख लीजिए, कब क्या खाना है, घाघ की कहावतें सुन लीजिए, क्या किस महीने में नहीं खाना है, कब क्या खाना है, इसी वजह से हम टिके रह गए। पश्चिम वाले जो देश हैं वो सब सोचते रहे कि यहाँ पर क्या चमत्कार हुआ भारत में, लेकिन ये हमारे पूर्वजों की
भोगी हुई समस्याएं हैं जिसका निराकरण उन्होंने भारतीय व्यंजन में प्रयुक्त होने वाली बहुत सारी ऐसी औषधीय सामग्रियों के माध्यम से किया जो आपके नित्य आहार में आज भी शामिल है। आप दालचीनी खाते हैं, आप तेज पात खाते हैं, आप लौंग काली मिर्च सब तो लेते हैं, आप तो पूरी तरह से आप भारतीय व्यंजन आहार नहीं है, उससे कोई पौष्टिक और उससे ज्यादा संवर्धन शरीर का करने का कोई भोजन नहीं। पूरे विश्व इन पर औषधि इन पर कितनी चीजें लिखी है। तो प्रकृति का सम्मान करने वाले हमारे पुरुष ही तो जान पाए तेज पत्ते का वृक्ष है, ये इसका वृक्ष है। अपने घर में कह दिया गया कि वो घर ही नहीं जा तुलसी का चौरा हो, आप स्वयं सोचिए। कल्पना कर दी गई कि तुलसी विष्णु जी की पत्नी है, तुलसी एकादशी हमारे मनाई जाती है, जिस दिन देव जागते हैं चार महीने बाद तुलसी विवाह होता है। तुलसी की इतनी महत्ता सोचकर देखिए कि हमारे पुरखे ने जब रीत रिवाज तेज त्योहार और गीत लोक कथाएं सुना रही थी तो वो हमें सिखाती चली जा। मैं इसलिए कहती हूँ कि लोकगीत सिर्फ लोकगीत नहीं है, ये लोकगीत लोक कथाएं और जीवन शैली सब अन्योन्याश्रित है, सब एक दूसरे से परस्पर जुड़ी है। और मैं परस्पर इतनी जुड़ती चली गई कि जो गीत मैं सुनती थी उन गीतों में वो सारे मुझे भाव नजर आते थे। यहाँ पर जरूर मैं एक गीत जिक्र करना चाहूंगी। क्योंकि चैत का महीना आ गया कि किस प्रकार से स्त्री के प्रेम में और वसुधैव कुटुंब की जो हमने बात की है कि जहां पर प्रत्येक जीव का महत्व किस प्रकार हमारे यहां था। सूतल सैया के जगावे हो रामा तोरी मीठी बोलिया, सूतल सैया के जगावे रोजे रोज बोलन कोरी अर साझे सब दवा, आज काहे बोले आधी रतिया हो रामा, आज काहे बोले आधी रतिया हो रामा तोरी मीठी बोलिया सूतल सैया के जगावे हो खेद बिहान कोली अर पढ़ई के बुलई वो सुबह होने दो। क्या सुंदर संसार की कल्पना पूर्वज बता देंगे। यहाँ पे नायिका जो अपने पूरे प्रेम के साथ प्रेम के अनुराग में अपने पति के साथ सुख जी रही है और वहां कोई की बोली व्यवधान बनकर समझ प्रकट हो रही है और कैसी दिन रात बोलती थी, आज क्यों, आज क्या बात है, रात में क्यों वो जाग जाएगा या उसके उस प्रेम आलाप में कहीं एकाग्रता भंग हो रही उसके बोलने से। अबले तो रहलू कोयली अरे बन की कोयलिया, अब तू भयलू सौ तनिया गो रामा तोरी मीठी बोलिया। आज तुम ऐसा लग रहा मुझे सौतन जैसा आभास है, आगे देखिए जरा धमकी। हो खेद बिहान कोयली अरे पढ़ई के बुलई वो, जड़ से कटई वो सिरसिया गो रामा, जड़ से कटई वो सिरसिया गो रामा, जड़ से कटई वो सिरसिया हो रामा तोरी मीठी बोलिया सूतल सैया के, सूतल सैया के, सूतल सैया के जगावे हो रामा।
सूतल सयान के जगावे। जहां ऐसी परिकल्पना कि एक स्त्री उसका दुख दर्द उसका प्रेम उसको एक जीव संवाद के लिए कोयल है, कि किसने हमारे आइए जाकर के बराबरी बन ले आए थे, लड़की है तो लड़की से बात करेगी या पुरुष स्त्री, प्रकृति की समस्त सत्ता उस व्यथा में उस प्रेम में शामिल है। बैठी सगुन मनावत माता कौशल्या कब है मोर बाल कुसल घर कहब काग फुर बाता। बैठी सगुन मनावत माता दूध भात की दोनी खिलई हो सोने चोच मढ़ैया कगा सोने चोच मढ़ैया। बैठी सगुन मनावत माता कौशल्या कागज से तेरी भोजन करा सोने से तुम्हारी सोच ना बस इतनी खबर दे दो मेरे राम सीता ठीक तो है। ये जो भाव है प्रकृति के समस्त जीवों में अपना रूप है। यहाँ पे एक आपको छोटी सी कथा जरूर मैं बताना चाहूंगी। एक गीत मिलता है जो कि कोल्हई गीत है, कोल्हू जो पिराई करते हैं उसमें बड़े सुंदर सुंदर श्रम गीत है और बड़े सुंदर सुंदर उसमें वर्णन मिलते हैं कोल्हई गीत में। एक गीत मिलता है कि मैं तो से पूछू है पढ़ला पंडित बिना बदरी के धमवा कौन बदरी के धमवा कौन गुनवा। मैं तो से पूछू है पंडित वा कौन गुनवारे कौन गुनवा कौन गुनवारे कौन गुनवा भाई बदरी के धमवा कौन गुनवा। ए पंडित तुम बड़े ज्ञानी हो तो मुझे जरा बताओ मैं जानना चाहती हूँ कि ये सूर्य घाम इतनी तेज क्यों है जबकि बादल है और उसमें अचानक से ऐसी धूप निकल आई ऐसा क्यों हो रहा है। और इसके उत्तर में पूरी कथा चलती है। सिर्फ कथा बताने के पीछे उद्देश्य ये है कि हमारे पुरखियों की कल्पनाशीलता और उनके विचार उसकी गहराई का आप सम्मान कर सकते। और इसमें उत्तर मिलता है कि पंडित उत्तर देता है कि राम और लक्ष्मण आखेट करने लगे वन में, ये अपने आप में अनहोनी बात है, इसलिए बादल है और तब भी घाम हो गई। यानी कि गीत में ही स्पष्ट है कि ये गलत बात है, आखेट के लिए निकले यानी कि ये प्रकृति भी विचलित नहीं देखे, ये गलत काम है, आखेट को क्यों निकले। अगली कड़ी है कि राम आखेट करते और एक अग्नि को मार देते। अब ये राम कोई भी हो सकता है, जरूरी नहीं कि अयोध्या नंदन दशरथ नंदन हो, लेकिन मैंने कई बार पहले कहा कि नायक कई जगह राम है इसलिए क्योंकि कथा के नायक लोक नायक है। हाथी हथनी गिर जाती है और राम उसके दांत तोड़ रहे हैं, थक जाते हैं इतनी तेज धूप, लक्ष्मण से कहते हैं जाओ जल ले जाओ, लक्ष्मण जल लाने जाते हैं, लक्ष्मण जल लाने जाते हैं, एक वन भुगेली दूसरा वन तीसरा वन दिन पहुंचते हैं, एक फुलवारी दिखती है बड़े तरोताजा फूल और एक माली है जो कि फूलों को सींच रहा है। लक्ष्मण अपना पसीना पोंछते वहां जाते हैं और कहते हैं जल चाहिए मुझे अपने भाई, मैं अयोध्या से लक्ष्मण हूं मेरे अपने भाई के लिए। माली कुछ नहीं कहता, जो पौधों को सींच रहा है वो खाली उधर लक्ष्मण से कहता है कि पहले धनुष और बाण नीचे रखो फिर बात करें। लक्ष्मण हतप्रभ हो जाते हैं, अयोध्या नरेश अयोध्या बहुत बड़ा सरा, तुरंत अपना आखेट की सामग्री नीचे उतारते हैं क्योंकि जल चाहिए था भाई के लिए, हाथ धोते वो जल देता है, जल लेकर के फिर से एक वन गए दूसरे वन भाई के पास पहुंचते हैं। राम दूर से ये देखते हैं कि तीर कमान तो है ही और जल लेके आ रहे, तो जल पीने से पहले पूछते हैं तुम्हारा कहाँ गया
धनुष होती है। लक्ष्मण कहते हैं सब बताता हूं, आप पहले जल पीजिए। तो कहते नहीं तुम बताओ। तो लक्ष्मण बताते हैं कि जल जिसने दिया है उसने यही शर्त रखी कि मैं अपना तीर कमा नहीं चाहता। राम कहते हैं मैं दर्शन करना चाहूंगा, और राम फिर जाते हैं लक्ष्मण के साथ। एक वन गई, दूसरे वन गई, तीसरे वन पहुंचते हैं, माली मिलता है। राम बुद्धिमान है, अपना तीर कमान नीचे रख करके प्रणाम करते हुए जाते हैं और कहते हैं कि बहुत आभार, आपने जल पिलाया, लेकिन हमारा अपने जो आखेट जिससे हम करते हैं उसी को क्यों अस्त्र को क्यों उतरवाएंगे। तो माली कहता है कि हे राजन, तुम राजा के पुत्र हो, आखेट करना तुम्हारा धर्म है, तुम आखेट कर रहे हो, और मैं माली का पुत्र हूं, बगिया की फुलवारी की रक्षा करना मेरा धर्म है, अपना धर्म करना हूं। लेकिन मेरे यहां आने पर शर्त यही कि यहां आखेट का कोई काम नहीं, इसलिए मैंने तीर कमान रखवा दी। राम चुप हो जाते हैं, बोले आपसे मैं एक सवाल पूछूं। राम कहते पूछिए। माली कहते हैं कि जिस निरपराध गर्भवती हथिनी को आपने अभी अभी मार गिराया, इतना विवेक तो उसमें भी था कि उसने कभी आकर मेरी फूल बगिया नहीं रोकी, आपने उसको क्यों मारा। गीत के अर्थ में यह है कि राम वहीं पर अस्त्र फेंक देते हैं और घोषणा करते हैं कि उस क्षेत्र में किसी का वध नहीं होगा, इसीलिए अवध कहलाता है। ये सोच इस गीत की ऐतिहासिकता तो कभी कोई सिद्ध नहीं कर पाएगा। कल्पना देखिए, सोच देखिए, और माली के द्वारा राजा को संदेश, राजा को कौन दे रहा, गुरु यहां कौन है, माली। और प्रकृति का सम्मान, जीव का सम्मान, अपराध हुआ उसको प्रकृति विरुष्ट है, बादल, सूर्य, माली, हथनी, और हम सब आज इसको पढ़ करके यही सोचते हैं कि कैसे ये भ्रांति फैलाई गई कि भारतवर्ष में जितनी हमारी स्त्रियां थी वो घूंघट की ओट में अनपढ़ और गंवार थी। और इसका आप लोगों को पूरा सामने आकर के बड़े तर्कों के साथ खंडन और मंडन करना चाहिए ऐसे लोगों का कि शिष्टता या शालीनता को कोई भी कमजोरी ना समझे। हमारी आपकी दादियां जितनी सबल थी हम और आप उतने नहीं बन पाए। घर घर में जाके देख लीजिएगा आपकी दादी कितनी सशक्त थी, अनाथ होगी ना आपकी माँ होगी। उस जमाने में दादी आदि जो कहते लड़कों की हिम्मत नहीं थी उनसे बिना पूछे काम हो जाए। आज हमारे हम लोग के मन का थोड़ा हम ही लोग चिरौनी करते हैं सबके आगे पीछे। ये उन स्त्रियों की दृष्टि थी, ये गीत स्त्रियों ने रचे और उनकी दृष्टि थी। इसमें आप देखिए सामाजिक समरसता, फूल बगिया माली के द्वारा यानी कि प्रकृति का सम्मान, जीव हत्या और आखेट का निषेध होना, और राम जैसे प्रतापी व्यक्ति का भी बड़े विनम्रता के साथ इस संदेश को ग्रहण करना, जिज्ञासु होना, ज्ञान ग्रहण करना, यानी ज्ञान कोई भी व्यक्ति दे तो लेना चाहिए। कितने एक ही गीत में कितने सारे संदेश। और गीत क्या है, ओले यानी तेल की पिराई करते हुए जो आधी रात भर, आधी आधी रात, सबसे कठिन काम है आपने देखा होगा, बोलू स्त्री भी साथ में उसमें काम करती है, और सोचिए वहां से संदेश इस गीत का निकल। तो अनेक अनेक आपको हमें समय बताएं क्योंकि ये तो हम तो मतलब रेल चलती है हमारी तो बहुत लंबी चलती है, तो जब भी आपको बताइएगा कि हमें कितना समय बोलना है तो मैं अपने आप, क्योंकि ये बहुत विस्तृत विषय है जी। काजल जी देख रही है, उन्होंने लिखा था मैं आपको देख सकती हूँ। किन्होंने, काजल शर्मा जी। अच्छा अच्छा, कहाँ है, देख रही है। काजल जी नमस्कार, हो कैसे हैं आप। काजल जी बहुत ही विदुषी कथक नृत्यांगना है, और हमारा आपका साथ ये रहा है कि हम लोगों ने कई फेस्टिवल्स एक साथ किए हैं। जब आप लंदन जाने से पहले आप आगरा में थे, मुझे लगता है ना तब आपकी ना आपकी शादी हुई थी ना मेरी शादी हुई, बहुत साल पहले बहुत साल युग बीत गए, और लोग गीतों में समझ लीजिए 12 बरस पुरानी बात, हर चीज को एक युग होता है।
लेकिन मुझे बहुत अच्छा लगा कि आज आपको यहाँ पर मैं मिल रही हूँ और मेरा मन प्रसन्न हो गया बागनी जी आपको देखकर सुनकर। और आपके तो हम सभी बहुत प्रशंसक रहे हैं, लेकिन मैं क्योंकि बहुत पहले से जानती हूँ तो मुझे बहुत प्राउड फील होता है। मुझे लगता है कि जैसे मेरी छोटी बहन इतना आगे निकल गई है। बहुत मुझे गर्व होता है आपको जब मैं सुनती हूँ और देखती हूँ। खुद इतना बड़ा काम कर रही हैं और मुझको लगता है ये लंदन न जाती तो इस समय हिंदुस्तान की तो शायद मुझे लगता है जो शीर्ष कथक नृत्यांगनाएं हैं उनमें नंबर वन नंबर टू ये होती है उस समय। लेकिन जो अभी काम कर रही हैं वो और बड़ा है क्योंकि लंदन में शिष्याओं को सिखा रही हैं और बहुत सक्रिय है। तो ये बहुत बड़ी बात है विदेश में अपनी कला अपनी संस्कृति का प्रचार प्रसार करना। ये मुझे लगता है बहुत बहुत बड़ी बात। अब मैं आपको उसका दूसरा पक्ष बता रही हूँ कि जो लोकप्रिय गाने थे जो मंच पे गाती थी मुझे उसके अंदर कथाएं दिखने लगी। अब मैं छोटी थी तो माँ लोग गाती थी सिद्धेश्वरी देवी जी दरअसल सबसे पहले तो उन्हीं का सूरज मुख ना जाई बे हाय राम बिंदिया के रंग उड़ा जाए हाय होरी बिंदिया के रंग उड़ा जाए बिंदिया दई मैं निकसी अंगनावा अरे ननदी का जियरा ललचाए के हाय राम बिंदिया के रंग उड़ा जाए बिंदिया लातका के मोरी बिंदिया समधी का जियरा ललचाए के हाय राम बिंदिया के रंग उड़ा जाए सूरज मुख मैं जिस उम्र में गाती थी ना तो ननद का मतलब पता था ना समधी का बल्कि मैं साथ गाती थी समधी का तो मुझे लगता था समधी का एक शब्द है। ये तो बाद में समझ में आया कि मैं क्या गा रही थी इसका अर्थ क्या है। और सूरज के सामने नहीं जाऊंगी सूरज मुख से हमको सूरज पूरी समझ में आता था क्योंकि मैं बता रही हूँ सबकी बात कि मैं 6 साल की थी तब से गीत गाती हूँ। तो बाद पहला गीत है जो मैंने गाना शुरू किया और जब मैं मिर्जापुर में थी बचपन जहां भी था और तब फिर समझ में आया सूरज मुख न जाए हाय राम बिंदिया का राम सूरज के सामने नहीं जाऊंगी क्योंकि तब ये वाली बिंदिया नहीं आती थी। उस समय बिंदिया कैसे बनती थी राल वाली बिंदी किसने किसने टिकुली लगाई है हमने तो लगाई है नए जमाने वाले राल यानी गोंद होता था जिससे टिकुली लगाई जाती थी और वो जो आती थी पाउडर वाली बिंदी कौन कौन लगाया है जो कि पसीने में टपक कर यहाँ आकर कैसे है ना तो सूरज मुख ना जाए बिंदिया का रंग उड़ रहा है। अब ये वाली बिंदी कभी कभी हमारे तो बहुत पसीना आता है बिंदी का पत्ता रखे रहते हैं क्योंकि अक्सर गिर जाती है फिर दूसरी लगाती हूँ लेकिन जो पहले होता था उसमें तो पूरा चेहरा ही विदीर्ण हो जाए तो इसलिए सूरज मुख ना जाए। बहुत सारे गानों को इसी तरह जब गाते गाते अर्थ समझ में आने लगे थोड़ी और बड़ी हुई अरे मारे करे जवा माती बलम घरे ना मोरी ननदी मारे करे जवा माती बलम घरे ना मोरी ननदी हमरी अटरिया पे कागा बोले सुने जीरा मोरा धरती कब आए है भैया तोहार मोरी ननदी मारे हो मारे करजवा माती बलम घरे ना मोरी ननदी। और ये समझ में आया कि ब्याहता की सबसे अच्छी सहेली ननदी ये कैसे हम लोगों ने छेड़खानी में ननद को अपना शत्रु मान लिया गानों में ननद से बड़ी तो कोई सहेली नहीं थी। कागा बोलने से संकेत है ये 13-14 बरस में गाने सुन सुन के समझ में आए और कागा की बोली सुन करके मेरा जी घबरा कब आई है भैया त्योहार मैं किसी से क्यों पूछू मैं अपनी उसी ननद से पूछू जिसे आज देख लो इतना जितनी नई लड़कियां ननदी को पहले ना पता चले दुनिया चाहे पता चले
अब कोई भी अब कैसे गाने बने मांगे नन दे रानी कंगना ओ लालन की बधैया अब बहुरिया तुरंत निकली ये कंगना मोरे माई के से आया अरे कहा है लालन की बधैया कहे तुम भैया अच्छा यहाँ सास ससुर भी मिला अंगना में ठाए ससुर समझावन अरे देखो बबू रानी कंगना लालन की बधैया मतलब सास ससुर भी पीछे पड़े ये वाला देखो उपचार जब आपके खुद के बच्चे होते हैं तब आपको समझ में आता है कि एक विवाह हो जाने भाई मात्र से कन्या को ये महसूस कराना कि उसका अपने मायके पे कोई अधिकार नहीं और भाई की भी लड़के का भी विवाह हो जाने पे कहीं ना कहीं बहू के सामने अपनी ब्याही हुई पुत्री का सम्मान रखना आज भी हर माता पिता का दायित्व कि उसको कभी यह ना लगे कि वो इस घर से विदा हुई है और इसीलिए इतने गाने हैं और ननद और भौजाई के इतने सारे मित्रता के गाने जो गाना मैं गाती हूँ सैया मिले डर कहीं ना उस गीत में अब जब ये मैंने सुना था तो श्रृंगार प्रिय गीत है तो सब कोई आज भी होता ही नहीं कि इस गाने की फरमाइश के बिना मंच से उठूं लेकिन इस गीत को जब मैं गाने लगी तो मैं एक बार बताऊं हर गीत में मैं नायिका खुद को ही देखती हूँ हर गीत की नायिका मैं खुद हूँ मुझे लगता है कि सारे जीवन मैंने जिए और यदि मैंने नहीं जिए तो मैं दिखला भी नहीं सकती मेरी ननद सगी कोई नहीं है लेकिन इतनी ननदें बनाई हुई हैं हमने कि हमको मुझे पता है कि जब मैं ननद कह रही हूं तो मेरे सामने किसका चेहरा जब अरे 12 बरस की मैं होने को आई सैया चला पहिया पहिया में का करूं सैया मिले लड़ी सैया में का करूं 15 बरस की मैं गौने को आई सैया उड़ावे सैया उड़ावे सैया उड़ावे मैं क्या करूं सैया मिले लड़ सैया आप यकीन करेंगे रिकॉर्ड है कि हम जितनी बार भी मंच पे रहे हैं इस गीत की फरमाइश स्त्रियों की ओर से नहीं आई है लड़कों और पुरुषों की ओर अपनी आप बीती दिखती है ना अपनी आप बीती दिखती है क्योंकि हर स्त्री आज भले 24 क्या 30 बरस में ब्याह लड़कियों का लेकिन दुल्हा मिलता लड़कियां ही और बुढ़ा जाए और उनके बुढ़ाऊ बुढ़ा जाए लड़कियां नहीं 12 बरस की मैं ब्याह में आई सैया चले पहिया पहिया इसका मतलब ये नहीं है कि वो गुटनैया गुटनैया इसका मतलब ये कि जो गृहस्थ जीवन है उसमें अभी शैशव अवस्था में है नादान है ऐसा घर की कहानी होगी क्राइसिस आती है तो औरतें पहले अच्छा चलो हम देख लेंगे रो धो लेंगी लेकिन सबसे ज्यादा वीर छत्राणी जैसे वही आकर के मामला निपटाएंगी गंभीरता से सुलझाएंगी आदमी जितने हैं आप देखें हाथ पांव फूल जाएंगे कमरे से बाहर चले जाएंगे बिस्तर पकड़ लेंगे हाय 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 या फिर गुस्सा हो जाए तरीका नहीं पता तरीका किसको पता डीएनए में हम लोगों के उपाय उपाय निकल आते हैं 15 बरस की मैं गौने पे आ सैया उड़ावे कन कैया अब देखिए प्रेम कर और प्रेम में भी स्त्री की ओर से कितनी मुखर प्रेम की अभिव्यक्ति है 15 बरस को मैं गौने पे भी आ गई पति के साथ हूं और ये पतंगे उड़ा रहे तो कन कैया अब मैं बोलते हैं 16 बरस मोरी बारी उमरिया सैया छुड़ावे मुझसे बनिया में का कितनी बार हमें सुन रहे थे भदेश पर बात होती है कितनी बार बात होती है कि जो हमारे यहाँ खुलापन है लोक में जो हमारे यहाँ पर अनगर सौंदर्य है लोकगीतों का सब कुछ खुला होकर कहने उसमें क्या सुंदर और शालीनता से एक नायिका की अपनी 20 बरस की मैं होने को आई
20 बरस की मैं होने को आई, सैया पुकारे मैया मैया, सैया पुकारे मैया मैया, मैं क्या करूं। अब मैं 20 बरस की हो गई, लेकिन देख लो अभी तो बात आ रही है तो ढूंढ। और इस अंतरे पे सबसे ज्यादा स्त्रियां प्रसन्न होती हैं, क्योंकि ये सबकी आप भी कि पति माँ को, लेकिन इस गीत को गाते गाते इसके इतने अर्थ समझ में आते हैं कि मुझे लगता है कि संयुक्त परिवार को बांधने और जोड़ने का कैसा अद्भुत गीत है, कि गाने का महत्व तो माँ का ही है, श्रृंगार है वो, कहीं पर नाराजगी नहीं है गीत में। आप यदि देखें चूहल है, शरारत है, एक छेड़छाड़ है कि देखो। और ये जो धुरी है माँ, ऐसे ही परिवार पति है कि कभी मैं गाती रही होंगी अपने जीवन में तो मैं वो नायिका थी, अब मैं स्वयं वही माँ बन गई हूँ जो इसमें अंत में, वो मेरी अपनी खुद के जीवन की कथा। तो ये संयुक्त परिवार को बांधने का क्या सुंदर तरीका कि पूरा परिवार इसमें जुड़ा हुआ है, सब के सब जुड़े हुए। इन संयुक्त परिवार के एक दृश्य और दिखाऊंगी कि किस तरह से हमारे यहाँ इतिहास मर्यादा रही है। चांदनी छिपे छिपे जई हो अटरियान, चांदनी छिपे छिपे जई हो अटरिया, दिन की बरन सास मन दिया, रात की जुम हैया अटरिया। जुधाई पता है मतलब चांदनी रात को बोलते हैं अवध में और कुमाऊं में। एक गाना सुना फिल्मी जुनली दातमा, सुना है जुनली यानी कि जुनहाई यानी कि जो चांदनी रात है, तो दिन के तो मेरी बैरन सास ननद है और रात को ये चांदनी तेरी बैरन है। क्यों? क्योंकि पति से मिलने का जो एकांत है वहां यदि जाऊं तो चांदनी, और वहां पर सारी चीजें हैं। पैर दबाए मैंने सासू सुलाए दिनों, पैर दबाए मैंने सासू सुलाए दिनों, अरे जेठा पड़े हैं गवैया टरिया, जेठा पड़े हैं गवैया, कैसे जाऊं खास खखार मैंने जेठा विदा की। हाँ, कुछ कहने की जरूरत नहीं उसी में सब खास खखार मैंने जेठा विदा की, मचल गई छोटी ननदिया अटरिया, मचल गई छोटी ननदिया अटरिया, घड़िया पहनाए मैंने ननदी विदा की, घड़िया पहनाए मैंने ननदी विदा की, देवरा पड़े हैं गवैया अटरिया, देवरा पड़े हैं गवैया अटरिया। प्यार पुचकार मन देवरा विदा की, रोवन लागे अर ललना अटरिया, रोवन लागे ललना। अब बेटा जा गया दूध पिया मैंने ललना सुताए दिनो, दूध पिया मैंने ललना सुताए दिनो, अरे बोलन लागी चिरैया अटरिया, बोलन लागी चिरैया। क्या परिवार का दृश्य, लिहाज मर्यादा, एक आम जीवन, और यह जीवन हमारी आपकी पुरखियों ने बिताया है, ऐसा क्यों संयुक्त परिवार की मर्यादा और उसमें मिलने की प्रतीक्षा करना और जब मुलाकात होना उस प्रतीक्षा को जी भर के जीना। आवाज जैसे थोड़ी हस्बैंड वाइफ का भी बेडरूम एक साथ है, पहले थोड़ी होगा तभी तो गाने हैं।
बनेरा बुलाए बनी नहीं आए, चलिया बनेरी रे अटरिया सोनी पड़ी। कि अटरिया है वहां पर एक अर्थ है, क्योंकि संयुक्त परिवार है, सबके सामने नहीं आ सकते। और ये शील, ये संकोच, ये मर्यादा और समर्पण भाव सबको साथ लेकर के आगे चलना है। इसी के आधार बिंदु पे परिवार की व्यवस्था बनी हुई है, टिकी हुई है। आज लोग साइकाइट्रिस्ट के पास जाते हैं, श्रिंक के पास जाते हैं, डिप्रेशन तो हर तीसरी महिला को है, कुछ बताती कुछ नहीं बताती, देख के पता चल जाता है। अब पहले डिप्रेशन की काट क्या थी, उलौवा रत जगा, हर चौथे दिन ढोलक लेके सब बैठे और गरियावे पूरा मोहल्ला भर गाने में गरियावे हैं और उसमें सारी गौसत फलानी का कहां हुआ क्या, सारे गाने जितना कुछ हो रहा है सब कुछ। अरे बेर बेर बगिया ना जाई बैना ना दिया, बेर बेर बगिया ओही बगिया मा, अरे मलिया रज गई मोरी चुनरिया नन दिया, रज गई पांच रुपया दर्जी मैं तो है दईवा सिलवाए दो मोरी चुनरिया नन दिया। घर जाकर क्या बताएंगे कैसे फट गई, बताना पड़ेगा। पांच रुपया दर्जी मैं तो है दईवा, दर्जी क्या कहता है, पांच रुपया पांच रुपया बीबी हम नहीं लई हो, अरे दे दो तुम हमका अपनी न नदिया न नदिया न जाइए। ये जो गीत थे मुझे लगता है कई बार जैसे होली का त्योहार है, साल में एक दिन रंगने की आजादी हमारे पूर्वजों ने दी, एक दिन आप उन्मुक्त भाव से सारे बंधन तोड़ करके रंगिए, खुद रंगिए दूसरों को रंगिए और हर चीज कह दीजिए, क्योंकि लास्ट में क्या कहते हैं, बुरा ना मानो गौ नहीं यही था। बारह बरस पीछे बन जा से लौटे, अरे कुसुम सरोवर दुलारी चुनरिया भीजे हमारी। पति बारह बरस लौट कर आया बाद में व्यापार से, पत्नी से पूछता काहे दुखी, और पत्नी कहती है बुलौवा बनाना। सास ननद मोसे पनिया भरावे, अरे बुढ़वा ससुर दे गारी चुनरिया भीजे हमारी। ये बीता कहे कैसे, गीत गौनाई में आपको अपनी व्यथा की कथा, हर शय को लाश है, ये नहीं कि बगल में बच्चा हुआ तो जब तक उन्हें बताए तब तक जाए ना, पता चल जाए कि कहीं पर कुछ खबरी, ढोलक लेके पांच औरतें अपने आप पहुंच जाती थी, कहे दुल्हन बताए ना नंदू दुल्हन कुछ होवे वाला है का, और वहीं पर सोहर बधाई गाना शुरू। दूसरों के मंगल में शामिल होना, दूसरों के उत्सव को अपना समझना, दूसरे की पीड़ा को अपनी पीड़ा समझना, ये उसी समाज की देन है जिसने गीत रचे। और इसलिए मैं कहती हूं जब इन गीतों को मैं गाती हूं, या आज से आप भी, मिथिला में तो इतनी अद्भुत गीतों की संपदा है लोकगीतों की, आप जब इन गीतों को पढ़ें और देखें तो आप इनको एक आशीर्वाद, ये भी वेद के ऋचाओं की तरह से मंत्र है, ये भी इनको भी आप कंठस्थ करें और कृपा करके नई पीढ़ी को आगे अर्थ समाज समझा करके इसको पास ऑन करें, ये हमारा दायित्व भी है। क्योंकि आज की पीढ़ी में कोरोना के वाले समय में भारतवर्ष में हमारे समाज ने देख और सीख लिया है कि यदि आगे बढ़ना है तो पीछे को साथ लेकर के आगे बढ़ना होगा, यदि आगे बढ़ना है तो अपने अतीत अपने पूर्वजों अपने संस्कृति को साथ लेकर के ही बढ़ना है। और हम बढ़ते आए हैं इसीलिए हम टिके हैं, कि कुछ तो बात है कि हस्ती मिटती नहीं अपनी, दौर दुश्मन रहा है दौरे जमाना सदियों तक, मिस्र पुटानिया सुमेरु बेबीलोन सारी सभ्यताएं आई और गई, और कोविड ने ये दिखला दिया कि बाकी सब में अभी भी लॉकडाउन चल रहा है, भारतवर्ष आगे बढ़ रहा है और इसमें बहुत बड़ा जो आश्रय हमें मिला है वो अपने पूर्वजों की ज्ञान परंपरा का मिल रहा है, मिला कैसे रहें क्या खाएं, सबने भारतीय भोजन अपनी माँ के हाथ का खाया है,
परिवार के साथ रहे हैं उससे बड़ी औषधि क्या है। सुनना शुरू ही किया था लेकिन सारी चीजों को एक साथ समेट लेना, पूरी डिक्शनरी है और शब्दावली इतनी सुंदर मधुर है नहीं मिलता नहीं, बातों को किस तरह रखेंगे। आप एक बार सुनने से पहले जरा विचार करेंगे कि आपने किन किन बातों को सुना है, जिन बातों से हम परहेज करते हैं उन बातों को कितनी सहजता से उन्होंने हमारे सामने रख दिया, जिससे हम नजरें चुराते हैं उन बातों को कितनी शालीनता से हमारे सामने रख दिया। क्या लोग यहाँ नहीं दिखाई देते, केवल लोग ही तो है। और कितने सारे उदाहरण जो सामान्य तौर पर हम जो ये गीत सुनते हैं लोग उसमें नहीं, परंतु वास्तव में यही लोग। हम किसी एक फिल्मी धुन को ले लेते हैं, उस पर किसी बोली के को ट्रांसलेट करते हैं और उसे डालते चले जाते हैं, अथवा कोई एक गीत लिया विद्यापति जी का नहीं भी लिखा हुआ तो वही विद्यापति, तो इस तरह की बातें करके हम आगे बढ़ते हैं। कितनी सारी चीजें सीखने को मिली, आनंद लिया से वो अलग, ज्ञान पढ़ा वो अलग। हम अपने पूरे विश्वविद्यालय पूरे विभाग संकाय और पूरे मिथिलांचल की ओर से एक बार करतल होने से आपका बहुतों के मन में सर जिज्ञासा थी, हम फिर से बात कर लेंगे और कई प्रश्न उमड़ रहे हैं, आपके प्रश्न का मैं सादर सम्मान करती हूँ।